الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. और अलबत्ता तहकीक हमने नाजिल की आपकी तरफ आयात बयिनात वाज आयात, अमा यकफुरु बिहा इल्ल फासिकून, और नहीं इनकार करते इन आयात का मगर फासिक लोग ही। कुरान करीम की हर आयत अपनी जगह एक आयत है और बहुत अजमत वाली है और अल्लाह का बहुत बड़ा मोजजा है। कुरान करीम की हर आयत को आयत कहते ही इसलिए हैं, अरबी जबान में आयत कहते हैं बहुत बड़े मोजज़े को। तो कुरान करीम की हर आयत आप समझिए अपनी जगह बहुत बड़ा मोजज़ा है। आप समझिए कि कुरान करीम में 6,000 से ऊपर मोजज़ात हैं बड़े बड़े। तो एक एक आयत जो है वो बड़ी वाजे है, बहुत बड़ी दलील है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि हमने ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर हमने वाज आयात नाजिल फरमाई। وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، और नहीं इनकार करता इन आयात का मगर फासिक लोग ही। फिस कहते हैं अल्लाह की इताअत से निकलने को। तो जो अल्लाह की इताअत से निकल जाते हैं वो इन आयात का इनकार करते हैं। तो कुरान करीम की किसी एक आयत का इनकार, कुरान करीम के किसी एक हुक्म का इनकार, ये सबसे बड़ा जुल्म है। ये कुरान का इनकार है। अपनी मनपसंद बात ले लेना और जो बात मुश्किल लगे उसको छोड़ देना, ये मुसलमानों का रवैया नहीं है, ये यहूद का रवैया है, ये मुनाफिकीन का रवैया है, जो हमने पीछे तफसील से पढ़ा सूरह बकरा के शुरू में। कुल्लमा ज़ालहुम मशौ फीही वइज़ा अज़लमा अलैहिम क़ामू, ये हमने मुनाफिकीन के बारे में पढ़ा था। जब कभी रोशनी होती है तो वो चल पड़ते हैं, जब अंधेरा होता है तो वो रुक जाते हैं। इससे मुराद है जब कभी आसान आसान काम आते हैं तो वो दीन पर अमल करना शुरू कर देते हैं, जब मुश्किल काम आते हैं तो वो फिर अमल करना छोड़ देते हैं। और यही बात हमने पीछे यहूद के हवाले से पढ़ी, अफतुमिनून बिबाज़ अलकिताबी वतकफुरून बिबाज़, क्या तुम किताब बाज़ किताब पर ईमान लाते हो और बाज़ किताब का इनकार कर देते हो। तो अपनी मर्ज़ी की बात मान लेना और मर्ज़ी की बात छोड़ देना, ये बहुत बड़ा जुर्म है। अगर हम दीन पर अमल करना चाहते हैं, कुरान करीम को मानने का दावा करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का दावा करते हैं, तो हमें कुरान की हर आयत को मानना होगा, उस पर अमल करना होगा, हर हदीस को जो सही सनद से साबित है हमें उसको मानना होगा। हमें उसमें अगर मगर चूंके चुनाचे और तवीलें करना, हमें यानी अमल करना होगा, अमल करने की पूरी कोशिश करनी होगी। हमने आप पर वाज़ आयात नाजिल की और नहीं इनकार करते इन आयात का मगर फासिक लोग। अवकुल्लमा आहदु आहदन नबदहु फरीकुम मिनहुम बल अक्सरुहुम ला यूमिनून, क्या और जब भी उन्होंने अहद किया किसी भी कोई भी अहद, नबदहु फरीकुम मिनहुम, तो फेंक दिया उसको यानी उस अहद को उनमें से एक गिरोह ने, बल अक्सरुहुम ला यूमिनून, बल्कि इनमें से अक्सर लोग ईमान ही नहीं लाते। यानी इन यहूद का कितना बुरा हाल है। अल्लाह ने इनसे पहले भी वादे किए, इन्होंने पहले भी वादे तोड़े। हमने पीछे पढ़ा यहूद के हवाले से, वही अख़दना मीसाक़ बनी इसराइल, अल्लाह ने बनी इसराइल से पुख्ता वादा लिया था। वो मुख्तलिफ वादे की के जो मुंदरजात हैं वो अल्लाह ने जिक्र फरमाए पीछे, ला तअबुदून इल्लल्लाह वबिलवालिदैन इहसाना وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم وغيرها وغيرها دیگر تفصيلات، اور یہ وعدوں کا انکار کرتے رہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ نے ان سے ان پر تورات نازل کی، اللہ نے فرمایا تورات کو مانو، انہوں نے تورات کو ماننے سے انکار کیا، پسو پیش کیا، اللہ نے ان کے اوپر طور پہاڑ کو بلند کر دیا۔
अल्लाह ने फरमाया मानते हो कि नहीं मानते, इन्होंने वादा किया, कस्में उठाई, इन्होंने कहा कि हम मानते हैं, लेकिन फिर इन्होंने इनकार कर दिया, सुम्मा तवल्लैतुम तो मिन बादी ज़ालिक। तो इसी तरह इनसे ये वादा भी लिया गया। असल में जब भी नबी आता है तो वो गोया कि अल्लाह की तरफ से एक वादा होता है, और इनसे इनकी किताबों में भी ये वादे लिए गए, इन्होंने अपनी किताब की तालीमात पर अमल करना है, तौरात को कायम करना है, इंजील को कायम करना है, और तौरात और इंजील में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मौजूद है, सहाबा किराम का तज़किरा मौजूद है। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करके, हसद करके, जिन्होंने इनकार किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, गोया कि इन्होंने अपनी किताबों की तालीमात का इनकार किया है, अल्लाह के वादों का इनकार किया है। तो ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون। और जब आ गए इनके पास अल्लाह का रसूल, मुसद्दिक लिमा माअहुम, वो तस्दीक करने वाला है उसके लिए जो इनके पास है। जब इनके पास रसूल आ गया अल्लाह का, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अल्लाह की तरफ से रसूल हैं और वो तस्दीक करने वाले हैं उसके लिए जो इनके पास है। किनके पास? यहूद के पास, नसारा के पास। तो इनके पास तौरात है, इंजील है, तो इनकी जो तालीमात हैं वो नबी सर उसकी तस्दीक भी करते हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नए नबी नहीं है, वो पिछले नबियों का तसलसल है, पिछले नबियों की तालीमात और नबी सर की तालीमात मिलती जुलती हैं। दीन एक है तमाम अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम के, शरीयत में कुछ कुछ फर्क हो सकता है। पिछले अम्बियाए किराम अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारतें देते थे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिछले अम्बियाए किराम अलैहिस्सलाम की पिछली किताबों की तस्दीक करते हैं, पिछली किताबें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत देती हैं। पिछले अम्बियाए किराम अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत दी, पिछले अम्बिया व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा लिया था कि अगर आपकी ज़िंदगी में वो रसूल आ गया, नबी आखिर उज़्ज़मा, तो आपने उन पर ईमान लाना है और उनकी तस्दीक करनी है, और अल्लाह ने उनसे वादा लिया था तो सब ने इकरार किया था। तो रसूलों ने गोया कि उसका जिक्र अपनी उम्मतों के सामने किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात बयान फरमाई। पिछली किताबों में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सहाबा किराम का, मक्का का, मदीना का, मोहर नबूवत का, और इन तफसीलात का, कुरान का, इन चीज़ों का जिक्र मौजूद है। तो अल्लाह यही फरमाते हैं कि ये अपने दौर में भी अल्लाह के वादों को तोड़ते रहे, और इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो कुछ मौजूद है इनकी किताबों में, इन्होंने अपनी किताबों को जुटला दिया। तो जब इनके पास रसूल आ गए अल्लाह की तरफ से, ये बकायदा इंतजार कर रहे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का। जब इनके पास रसूल आ गए, मुसद्दिक लिमा माहुम, वो तस्दीक करने वाले हैं उसके लिए जो इनके पास है, नबज़ फरीक़ुम मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब किताब अल्लाह, फेंक दिया एक गिरोह ने अहले किताब में से, उन लोगों में से जिन्हें किताब दी गई, किताब अल्लाह ही, अपनी अल्लाह की किताब को, वराअ ज़ुहूरिहिम, अपनी पुश्तों के पीछे, अन्नहुम ला यालमून, गोया कि वो जानते ही नहीं। अल्लाह फरमाते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोइयाँ तो रातों इंजील में मौजूद थी, और उसी पेशीन गोइयों को मद्देनजर रखते हुए ये लोग मदीना में आप बसे थे और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार कर रहे थे, और ये बकायदा कुफार से कहा करते थे, वकानू यस्तफ्तिहून, वकानू मिन कब्लु यस्तफ्तिहून अला अल्लज़ीना कफरू, और पहले कुफार से वो क्या करते थे, औस और खजरज से, कि नबी आने वाला है, नबी आखिर उस जमा, तो हम उसके साथ मिलकर तुमसे लड़ेंगे। तो जब वो रसूल आ गए और वो रसूल इनकी किताबों की तस्दीक भी करते हैं, इनके नबियों की तालीमात की तस्दीक भी करते हैं, तो अब अहले किताब के एक गिरोह ने अल्लाह की किताब को फेंक दिया अपनी पुश्तों के पीछे, यानी तो रातों इंजील में जो नबी सल्लम की तालीमात और नबी सल्लम के जो तज़किरा और पेशिन गोइयां मौजूद थी, इन्होंने उसको छुपा लिया, इन्होंने उन पर अमल ना किया, इन्होंने उन तालीमात को अपनी पुश्तों के पीछे फेंक दिया, कान ला यालमून, गोया कि वो जानते ही नहीं। वजह क्या बनी? वजह इनका हसद, सिर्फ हसद करने की वजह से इन्होंने अपनी ही किताबों का इनकार कर दिया, अल्लाह के सच्चे नबी का इनकार कर दिया, कुरान का इनकार कर दिया, जिनको ये अपने बेटों की तरह पहचान चुके थे।
उनकी सच्चाई जान चुके थे, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया। इतने बदबخت लोग हैं। अच्छा, अल्लाह फरमाते हैं, उनमें से एक गिरोह ने अल्लाह की किताब को अपने पुश्तों के पीछे फेंक दिया। किस गिरोह ने अल्लाह की किताब को अपने पुश्तों के पीछे फेंका और किस गिरोह ने नहीं फेंका? यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए इनके पास, तो अहले किताब के एक गिरोह ने अल्लाह की किताब को अपने पुश्तों के पीछे डाल दिया, यानी उन्होंने अपने किताब की तालीमात पर अमल नहीं किया। गोया कि वो जानते ही नहीं, हालांकि वो जानते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात, कुरान की सिफात, सहाबा किराम की सिफात, कहाँ पैदा होंगे, कहाँ हिजरत करेंगे, हर चीज़ का पता था उन्हें। लेकिन एक गिरोह ने नबी सल्लम के बारे में, कुरान के बारे में अपनी ही किताबों की तालीमात को अपने पसे पुश डाल दिए, गोया कि वो जानते ही नहीं। तो एक गिरोह ने ये काम किया, इसका मतलब है दूसरे गिरोह ने ये काम नहीं किया। तो किस गिरोह ने ये काम किया और किस गिरोह ने ये काम नहीं किया? जो ईमान नहीं लाए मुनाफिकीन, उन्होंने ये काम किया, और जो ईमान ले आए उन्होंने ये काम नहीं किया। तो वो कौन सा गिरोह? मुनाफिक थे सब बनी इसराइल ने। नहीं, मेरा असल में अल्लाह ताला कहते हैं एक गिरोह ने अल्लाह की किताब को अपने पुश्तों के पीछे फेंक दिया। इसका मतलब हुआ एक गिरोह ने फेंका, एक गिरोह ने नहीं फेंका। तो किसने फेंका और किसने नहीं फेंका? और राशिद साहब ने एक एक ग्रोथ जो अपने हजरत मूसा की तालीमात पर सही वाली उस पे कायम थे, उन्होंने नहीं इनकार किया। यानी क्या किया उन्होंने? और जो मुनाफिकीन थे उन्होंने जो इनकार किया। पहले किताब में से ईमान ले आए उन्होंने तो पीछे नहीं फेंका, लेकिन जो नहीं लेके अहले किताब में से उन्होंने पीछे फेंक दिया अपने किताब के हुक्मों ये को। कितने लोग थे? ये कितने लोग थे जो ईमान लाए थे, और कितने लोग थे जो ईमान नहीं लाए थे? तो तो ईमान लाने वाले तो कम ही थे, अब्दुल्ला तकरीबन बिन दस थे। सलाम रजी अल्लाह ताला अन्हु। अब्दुल्ला बिन सलाम और चंद लोग, वो दो तीन लोग, चार पांच लोग, एक तकरीबन गिरोह। 10 लोग सर। हाँ जी, लेकिन अल्लाह ताला तो ऐसे तस्करा कर रहे हैं जैसे एक बहुत बड़ा गिरोह ये था, एक बहुत बड़ा गिरोह ये था। एक गिरोह ने ये काम किया, गोया के दूसरे गिरोह ने ये काम किया। यानी एक तरफ अगर हम कहें हजारों लोग हैं, सैकड़ों हजारों, एक तरफ चंद लोग हैं, तो ये इनके आपस में तकाबुल बनता है? जो ईमान ले, जो अहले किताब में से ईमान ले, वो तो फिर अहले ईमान वालों में से मिल गए, तो ये भी तो बराबर के ही हो गए ना फिर ग्रुप उनके। मुसलमान भी तो थे ना, मुसलमानों के साथ मिल गए ना फिर ये। जी, वो मिल गए मेरा, यानी अहले किताब में दो गिरोह बन गए। जो मुसलमान डायरेक्ट ईमान लाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, सहाबा, वो तो अलग है ना। बात तो यहाँ यहूदियों की हो रही है, अहले किताब की हो रही है। तो अहले किताब में एक गिरोह ने अपनी अल्लाह की किताब को अपने पीठों के पीछे डाल दिया, यानी एक गिरोह ने पीछे डाल दिया, एक गिरोह ने नहीं डाला। आप कुरान करीम का मुताला करें, कुरान करीम अक्सर जहाँ अहले किताब का जिक्र होता है, यहूदियों का जिक्र होता है, ईसाइयों का जिक्र होता है, तो अल्लाह ताला उनके उनके पूरे पोल खोलते हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं सारे ऐसे नहीं थे, उनमें से नेक लोग भी हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे एक बहुत बड़ा गिरोह इस तरफ था, एक बहुत बड़ा गिरोह इस तरफ था। ऐसा महसूस होता है कि नहीं होता? इस आयत से ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा कि अहले किताब में दो गिरोह बन गए थे, एक गिरोह ने नहीं माना, एक गिरोह ने मान लिया? ऐसा ही लग रहा है कि नहीं? और जी ऐसे लग रहा ये यहाँ नहीं है, ये और भी कई जगहों पर आप कुरान करीम का मुताला करें तो अल्लाह ताला अक्सर इनके पोल खोलते हैं। फिर अल्लाह फरमाते हैं लेसु सवा, सब एक जैसे नहीं है। मिन अहलिल किताबी उम्मतुन काइमतुन यतलून आयातिल्लाहि आना लैली वहुम यस्जुदून। अहले किताब में एक ऐसी उम्मत भी है जो क्याम करती है रातों की, रात की घड़ियों में, और सजदे करते हैं। युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी व यअमुरून बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। तो ये यहाँ नहीं, सिर्फ ये जो मैं आयत पढ़ रहा हूँ आपके सामने सूरह आले इमरान की, तो सिर्फ यहाँ नहीं है, और भी कई जगहों पर अल्लाह इनका जिक्र करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं जैसे नहीं है सारे, इनमें बुरे लोग हैं, बहुत बुरे लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं। इसमें फिर वो लोग काम करते थे जो नबी पे ईमान ले आए थे, यानी हजरत ईसा अलैहि सलाम और हजरत मूसा अलैहि सलाम पे जो ईमान ले आए थे, जो वो अहले ईमान थे, उनके साथ इनको ग्रुप बना दिया है। नहीं, उनकी बात नहीं हो रही, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के लोगों की बात हो रही है।
इसी तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये सूरह आराफ में अल्लाह ने इनका तफसील से जिक्र किया है, आप वहां भी देखें, वहां भी यही अंदाज है। उम्मतुन, क्या आयत है कुरान की, मैं आपको दिखाता हूँ। ओमिन कौमी मूसा उम्मतुन यहदूना बिलहक वबिही यहदिलून। अगर मूसा की कौम में से एक ऐसी उम्मत भी थी, ऐसी जमात भी थी जो हक की हदायत देते थे और हक के साथ इंसाफ करते थे। लंबा बनी इसराइल का जिक्र है, फिर अल्लाह ताला उनकी बुराइयां और उनके पोल खोलते हैं, फिर अल्लाह फरमाते हैं सब एक जैसे नहीं थे। हम कह सकते हैं चले यहाँ तो हजरत मूसा अलैहि सलाम के दौर का तस्करा हो रहा है, लेकिन यहाँ यहाँ तो तस्करा हो रहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अहले किताब का। तो अल्लाह फरमाते हैं कि उन अहले किताब के एक गिरोह ने अल्लाह की किताब को अपने पुश्तों के पीछे डाल दिया। क्या मतलब हुआ कि दूसरे गिरोह ने नहीं डाला, तो दूसरे गिरोह कौन है? इसी तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं, और मैं आपको और देखें कुरान की आयत दिखाता हूँ, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के कुफार की बात हो रही है। ये देखिए, ये सूरह कसस है, इसमें अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अल्लज़ीन वलक़द वसलना लहुम अल-क़ौल लअल्लहुम यतज़क्करून, अल्लाह फरमाते हैं कि हमने कौल को मुसलसल भेजा ताकि ये नसीहत पकड़ें। अल्लज़ीन आतैनाहुम अल-किताब मिन क़ब्लिही हुम बिही युमिनून, जिन्हें हमने किताब दी थी इससे पहले वो ईमान लाते हैं। नबी सल्लम के दौर के अहले किताब की बात हो रही है। वइज़ा युतला अलैहिम क़ालू आमन्ना बिही, इस सूरह कसस है, इसमें अल्लाह ताला उनका तज़किरा कर रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि ऐसे लोग भी हैं अहले किताब में से, जब उन पर कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं तो वो कहते हैं हम ईमान लाए इसके साथ, इन्नहुल हक मिन रब्बिना, ये हक है हमारे रब की तरफ से, इन्ना कुन्ना मिन क़ब्ल ही मुस्लिमीन, हम पहले ही मुसलमान थे। उलाइका युताउन अजरहुम मरतैन, इन लोगों को इनका अजर डबल दिया जाएगा बिमा सबरू, सबर करने की वजह से। इसी तरह देखें यहाँ, यानी नबी सलम के दौर के अहले किताब की बात हो रही है। आल इमरान है, इसमें अहले किताब का जिक्र है, और फिर सूरह आल इमरान के आखिर में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, वहां भी यही अंदाज है। और ये तो वाजह बात है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अहले किताब की बात हो रही है। अल्लाह फरमाते हैं इन्ना मिन अहलिल किताबि लमन युमिनु बिललाहि वमा उन्जिला इलैकुम वमा उन्जिला इलैहिम, अहले किताब में से वो लोग भी हैं जो ईमान लाते हैं अल्लाह के साथ, और जो कुछ नाजिल हुआ तुम्हारी तरफ उस पर भी ईमान लाते हैं, जो कुछ नाजिल हुआ उन पर उस पर भी ईमान लाते हैं। अब जाहिर बात है यहाँ किन अहले किताब की बात हो रही है, यहाँ उन अहले किताब की बात हो रही है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थे। तो अपने नबियों की तालीमात पर भी वो ईमान लाए थे नबी सल्लम से पहले, और नबी सल्लम के आने के बाद जो कुछ तुम पर ऐ मुसलमानों नाजिल हुआ वो उस पर भी ईमान रखते हैं। तो कुरान करीम का मुताला करें तो कुरान करीम के मुताले से हमें लगता है कि अहले किताब में, अहले किताब बहुत बुरे थे, बहुत बुरे थे, लेकिन सारे ऐसे नहीं थे। उनका कुरान से ऐसा लगता है जैसे एक बहुत बड़ा तबका, एक बहुत बड़ी जमात ऐसी भी थी जो जिन्होंने उसको भी कबूल किया, इसको भी कबूल किया। एक गिरोह ने अल्लाह की किताब को अपने पुश्तों के पीछे डाला, दूसरे गिरोह ने नहीं डाला। तो मेरा सवाल है दूसरा गिरोह कितना बड़ा था? वो आप कह रहे हैं थोड़े से लोग थे, यानी गोया कि एक तरफ हजारों लोग हैं, एक तरफ उंगलियों पे गिने चुने लोग, लेकिन अल्लाह ताला इनका तज़किरा बड़ी अहमियत के साथ करते हैं जैसे एक बहुत बड़ा गिरोह था। तो क्या पता लगा इससे? अहले ईमान चाहे थोड़े ही क्यों ना हो, अल्लाह की नजर में उनकी बड़ी वेटेज है, बड़ी कदर है। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। देखिए मैं कहता हूं एक तरफ पूरी दुनिया हो जाए, एक तरफ एक बंदा हक पर हो ना, ये दो गिरोह हैं। वो एक बंदा अगर हक पर है वो एक पूरी जमात अल्लाह के नजदीक। इन्ना इब्राहिम का ना उम्मा कानत लिल्लाहि हनीफा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक उम्मत थे, अकेले ही अल्लाह के फरमाबरदार थे। पूरी कौम हजरत इब्राहिम के मुखालिफ है, हजरत इब्राहिम हक का आलम बुलंद किए हुए हैं। ठीक है, अल्लाह के नज़दीक क्वांटिटी की अहमियत नहीं है, अल्लाह के नज़दीक जो लोग हक के साथ चिमटे हुए हैं। अब्दुल्ला बिन सलाम अकेले ही, आप कभी हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम का जिक्र पढ़ें तो कुरान करीम में ऐसा लगता है जैसे बहुत सारे लोग थे, वो उंगलियों पे गिने जाने वाले चंद लोग थे। ये देखिए, कुल अरअयतुम तुम इन कान मिन इंदिल्लाहि व कफरतुम बिही व शहीद शाहिद मिन बनी इसराइल अला मिस्लिही फआमन वास्तकबरतुम, कह दीजिए तुम्हारा क्या ख्याल है, अगर ये कुरान अल्लाह की तरफ से हो
या नबी सल्लम, अल्लाह की तरफ से हम वो कफर तुम भी, और तुम कुफर कर चुके हो उसके साथ, वो शहीद शाहिद मिन बनी इसराइल अला मिसली ही, और एक गवाही दे चुका है गवाही देने वाला बनी इसराइल में से इसकी मिसल पर, यानी हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम। आमना वस्तकबर, तुम वो ही मान ले आया, तुम तकबर कर रहे हो। इन अल्लाह ला यहदिल कौम अज़्ज़ालिमीन, बेशक अल्लाह तआला नहीं हदायत देते ज़ालिम कौम को, यानी जो ईमान वाले हैं वो अल्लाह के, अल्लाह को कितने प्यारे हैं, वो थोड़े हैं तो क्या हुआ, वो पूरी जमात है अल्लाह के नजदीक, बल्कि असल जमात असल काम के लोग तो वही हैं, बाकी तो कीड़े मकोड़े हैं, बड़े बाकियों की क्या हैसियत अल्लाह के नजदीक, कोई हैसियत नहीं है। तो अल्लाह के नजदीक असल में ईमान की अहमियत है, ईमान वालों की अहमियत है, चाहे वो चंद लोग ही हों, अल्लाह उनका तज़किरा ऐसे करते हैं जैसे वो बहुत बड़ी जमात है। इसीलिए अल्लाह को पता था कि आदम अलैहि सलाम की औलाद में अक्सर लोग गुमराह होंगे, यानी अगर आप निस्बत देखें तो ये भी नहीं कि 1% मुसलमान है, मुसलमान 0.1%, यानी अहले जन्नत और अहले जहन्नम का, जहन्नम का अगर तकाबुल करें तो 1,000 में से एक जन्नती हैं, बाकी 999 जहन्नमी हैं वलियाज बिल्ला। लेकिन अल्लाह ताला जिक्र करते हैं कुफार का और उनकी नाफरमानियों का, तो अल्लाह ताला ईमान वालों का जिक्र करते हैं और बड़ी अहमियत के साथ अल्लाह उनका जिक्र करते हैं, और अल्लाह ने उन्हीं बहुत थोड़े ईमान वालों के लिए अल्लाह ने दुनिया बनाई है और उनके लिए ये दुनिया बाकी रखी है, उन्हीं की वजह से दुनिया की सारी नेमतें हैं, मुसलमानों को भी नेमतें उन्हीं की वजह से मिल रही हैं, कुफार को भी नेमतें उन्हीं की वजह से मिल रही हैं। दुनिया में ये नेमतें मुसलमानों के साथ साथ कुफार को भी मिल रही हैं मुसलमानों की वजह से, और आखिरत में ये नेमतें सिर्फ मुसलमानों को मिलेंगी, कुफार को नहीं मिलेंगी, जिस पर पीछे तफसील से बात हो चुकी है। तो पता लगा कि अल्लाह के यहाँ इस गिरोह की बड़ी अहमियत है। एक गिरोह ने किताब को पसे पुश डाल दिया, वो ठीक है वो तादाद में बहुत ज्यादा हो, वो एक गिरोह है, एक गिरोह चाहे वो तादाद में बहुत थोड़े हों, उन्होंने किताब को पसे पुश नहीं डाला, वो पिछली किताबों पर भी ईमान लाए, इस किताब पर भी ईमान लाए, उनके लिए ये डबल अजर है, उनके लिए उसका भी अजर है इसका भी अजर है। उलाए के युतउन अजरहुम मरतैन, हमने पढ़ा पीछे सूरह कसस में, उनको उनका अजर डबल मिलेगा, तो वो भी एक यानी ऐसे लोग हैं काबिल जिक्र जिनका जिक्र होता है, तो अल्लाह ताला उनका जिक्र करते हैं, अल्लाह ताला उनको अहमियत देते हैं। वत्तबउ मा तत्लु शयातीन अला मुल्क सुलेमान, और उन्होंने पैरवी की उसकी जो पढ़ते थे शैतान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत में। वमा कफर सुलेमान वलाकिन शयातीन कफरू, नहीं कुफर किया सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लेकिन शैतानों ने कुफर किया। युअल्लिमून अन्नास सिहर, क्या कुफर किया कि वो लोगों को जादू सिखाते थे। वत्तबउ मा तत्लु शयातीन, और पैरवी की, इन्होंने यहूदियों की बात हो रही है अहले किताब की, इन्होंने पैरवी की उसकी जो पढ़ते थे शैतान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत में। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जादू बहुत ज्यादा हो गया था, यहूद में हमेशा से जादू बहुत ज्यादा रहा है। आप देखिए कि मूसा के दौर में फिरौन और फिरौन के पैरोकारों में बहुत जादू था, और फिर बाद में हजरत मूसा के पैरोकार ईमान लाए हजरत मूसा पर, लेकिन उनमें ये जादू और ये चीजें बहुत ज्यादा हो गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में बतौर खास ये चीजें बहुत ज्यादा हो गई। अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिन्हों पर गलबा दे रखा था मोजजाती तौर पर, यहूद ने इल्जाम लगाया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर, यहूद ने कहा कि असल में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जादू और नऊज बिल्ला इन चीजों की वजह से जादू जिन्हों पर उनको कुदरत हासिल थी। हालांकि बात गलत है, 100% गलत है। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ने मोजजाती तौर पर उनके उनकी फौज में इंसान भी थे, उनकी फौज में जिन भी थे, उनकी फौज में परिंदे भी थे, और आप समझिए ये सब उनकी फौज में शामिल थे। वहुशीर अली सुलेमान जुनूदुहु मिनल जिन्नी वल इंसी व तैरी फहुम यूज़ाउन, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए उनके लश्कर इकट्ठे किए गए जिन्नों से और इंसानों से और परिंदों से, वो बकायदा परिंदों की बोली, वो बकायदा यानी हशरातुल अर्ज की बोली, जानवरों की बोली भी समझते थे। उल्लिमना मंतिक तैरी व या अय्युहन्नास उल्लिमना मंतिक तैरी व उतीना मिन कुल्ली शै,
ऐ लोगो, हमें तो परिंदों की बोली सिखाई गई, वो तो चींटियों की बातें भी सुन लेते थे, समझ लेते थे। तो ये कहना कि जादू की वजह से तो ये बात सही नहीं थी, असल में वही बात जो हमने पीछे पढ़ी, वो दूसरे लेक्चर में हमने पढ़ी कि इंसान गलत करता है और फिर गलती के दलाइल तलाश करता है, उल्टे सीधे उजर तलाश करता है, वो बनता हो तब भी, ना बनता हो फिर भी उजर तलाश करता है। अब यहूद के अंदर जादू टोना और ये चीजें, शोबदाबाजियां बहुत ज्यादा आ गई, ये बहुत ज्यादा आ गई। अब उन्होंने उसका जवाज तलाश किया, जवाज क्या तलाश किया, तावीलें क्या तलाश की, कहते सुलेमान अलैहि सलाम करते थे, नऊज बिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह माफ फरमाए, यानी अल्लाह और अल्लाह के नबियों पर इल्जाम लगा दिए, कोई शर्म ना आई उनको। बहुत बड़ी बात है, सबसे बड़ा जुल्म अल्लाह पे झूठ बांधना और फिर अल्लाह के नबियों पर झूठ बांधना अपना उल्लू सीधा करने के लिए, नबियों पर इल्जाम लगा देना। तो ये चीज छोटी नहीं है, अल्लाह के नबी बहुत बड़ी चीज है। तो ये खुद असल में जादू के रसिया थे, शोबदाबाजी और इन चीजों में ये पड़े हुए थे, तो इन्होंने पैरवी की। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जादू था बहुत ज्यादा, कौन करते थे, शैतान करते थे, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नहीं करते थे, अल्लाह के नबी कैसे करें, अल्लाह के नबी तो इन चीजों से कोसों दूर होते हैं, शैतान करते थे, इन्होंने शैतानों की पैरवी की हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत में। वमा कफर सुलेमान, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफर नहीं किया, शैतानों ने कुफर किया। कुफर किया, युअल्लिमून अन्नास अस्सिहर, वो लोगों को जादू सिखाते थे। वमा उनज़िला, और जो नाजिल किया गया, यानी एक तो लोगों को जादू सिखाते थे और क्या सिखाते थे, और जो नाजिल और वो सिखाते थे जो माँ मौसूला बनाए, वमा उनज़िला आई वल्लज़ी उनज़िला, और जो नाजिल किया गया, अलल मलकैनी, दो फरिश्तों पर, बिबाबिल बाबिल शहर में, हारूत और मारूत, हारूत मारूत नामी दो फरिश्तों पर। यानी हजरत सलमान अलैहिस्सलाम ने जादू कुफर नहीं किया, शैतानों ने कुफर किया, वो लोगों को जादू सिखाते थे, और जो बाबिल शहर में हारूत मारूत नामी दो फरिश्तों पर नाजिल हुआ वो भी जादू था, तो वो सिखाते थे। हजरत सलमान ने कुफर नहीं किया, शैतानों ने कुफर किया, तो यहाँ कुफर से क्या मुराद है, जादू मुराद है। यहाँ तो कुफर की बड़ी वजाहत आ गई ना कि युअल्लिमून अन्नास अस्सिहर वमा उन्ज़िला अलल मलक, यानी वो लोगों को जादू सिखाते थे, और जो बाबिल शहर में हारूत मारूत नामे दो फरिश्तों पर नाजिल हुआ, वो क्या नाजिल हुआ, जादू, तो वो सिखाते थे। एक पहले से जादू चला आ रहा था शैतानों में, और एक अल्लाह ने मजीद आजमाइश के लिए अल्लाह ताला ने हारूत मारूत दो फरिश्तों के जरिए अल्लाह ने आजमाइश के लिए जादू उतारा। हारूत मारूत दो फरिश्ते थे, अल्लाह ने उनको फरिश्ते कहा है, तो अल्लाह ने उनके जरिए जादू नाजिल किया। क्यों नाजिल किया, अल्लाह ने खुद लोगों को जादू में मुबतला किया। आजमाइश के लिए? जी बिल्कुल, यानी ये अल्लाह का इरादा कौनिया है, जिस पिछले लेक्चर में भी बात हुई है दूसरी क्लास में, ये अल्लाह का इरादा कौनिया है, जिसका अल्लाह ने शैतान को पैदा किया है, शैतान शैतान के वसवसे, इस तरह ये चीजें अल्लाह ने खुद रखी हैं। तो अल्लाह की कितनी अजीब आजमाइश है, अल्लाह ने यानी बकायदा जादू से रोका है, और अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए जादू उतारा भी है, और यानी हारूत मारूत लोगों को जादू सिखाते थे, आगे आ भी रहे हो, मा युअल्लिमानि मिन अहदिन, नहीं वो सिखाते थे किसी एक को, हत्ता यकूल, हत्ता कि वो दोनों कहते हैं हारूत मारूत फरिश्ते, वो दोनों कहते हैं इन्नमा नहनु फितनतुन, बेशक हम सिवाय से कह नहीं, हम फितना है, तो तू कुफर ना कर। बाकायदा लोगों से कहते थे हमसे जादू ना सीखो, जो हमसे जादू सीखेगा काफिर हो जाएगा। अल्लाह फरमाते हैं हजरत सलमान ने कुफर नहीं किया, शैतानों ने कुफर किया, लोगों को जादू सिखाते थे, पता लगा जादू सिखाना कुफर है। और ये भी पता लगा कि वो दोनों जो फरिश्ते थे जो अल्लाह ने नाजिल किए, अल्लाह का इरादा कौनिया, अल्लाह ने दोनों फरिश्ते नाजिल किए, वो फरिश्ते लोगों को जादू नहीं सिखाते थे उस वक्त तक, जब तक लोगों को ये ना बता देते कि हम फितना हैं, तो तुमने कुफर नहीं करना। कुफर नहीं करना से क्या मुराद है, तुमने कुफर नहीं करना से मुराद जादू नहीं सीखना, क्या ख्याल है। जी सर, जादू का है। जी सर, देखिए कितनी वाजे बात है।
यानी जादू सिखाना भी कुफर, वो साबित हुआ यहाँ से, वहां सीखना कफर भी सुलाई बनू बोला कि न शयात ने कफर यालिमून ना सिहर, तो सलमान ने कुफर नहीं किया, शैतानों ने कुफर किया। क्या कुफर किया? जादू सिखाते थे, जादू सिखाना कुफर हुआ। कुरान का सरी नस है, और अल्लाह ने दो फरिश्तों पर जो नाजिल किया वो भी सिखाते थे। अच्छा, वो फरिश्ते वो लोगों को नहीं सिखाते थे, किसी को नहीं सिखाते थे, हत्ता के कह देते वो दोनों फरिश्ते कि हम फितना है तो तुम कुफर ना करो, ना करो से मुराद वो क्या करते थे, फरिश्ते जादू सिखाते थे, लोग क्या करते थे, लोग जादू सीखते थे उनसे, तो फरिश्ते कहते थे कि हम फितना है, यानी हमें अल्लाह ने आजमाइश के लिए भेजा है, हमें अल्लाह ने भेजा है तुम्हारी आजमाइश के लिए, तो तुम कुफर ना करो यानी तुम जादू ना सीखो, क्योंकि वो जादू सिखाते थे। उस जादू सीखने को यहाँ कुफर कहा गया है, तो जादू सिखाना भी कुफर हुआ, जादू सीखना भी कुफर हुआ। कुरान का फरी नाता तअल्लमून मिन्हु मामा युफर्रिकून बिही बैनल मरई व ज़ौजी, बस वो सीखते थे लोग मिन्हुमा उन दोनों से, उन दोनों फरिश्तों से, हारूत और मारूत से। अब बड़ी बहस है लोगों में, हारूत मारूत क्या थे, वही कुरान कहता फरिश्ते थे, अल्लाह के हुक्म से उतरे थे, अल्लाह ने आजमाइश के लिए भेजे थे। तो अब लोग सीखते थे उन दोनों से, क्या सीखते थे, जो जिसके जरिए वो फर्क डाल देते थे बैनल मरई व ज़ौजी, इंसान में और उसकी बीवी में। सबसे बड़ा जादू क्या होता था, सबसे ज्यादा उनका जो मशगला था, दिलचस्प महबूब मशगला, ऐसा जादू सीखा जाए जिसके जरिए मर्द औरत में तफरका डाला जाए। शैतान को सबसे ज्यादा ये चीज पसंद है, मशहूर हदीस आपने सुनी हुई है, शैतान अपना तख्त पानी पे लगाता है, उसके चेले कहते हैं मैंने ये किया, मैंने ये गुमराही की, शैतान खुश नहीं होता। एक चेला आकर कहता है मैंने तो मियाँ बीवी में तफरीक डाल दी, शैतान उसको तबकी देता है, गले से लगाता है, कहता है इसने काम किया है। तो जादू में सबसे जो बड़ा जादू है मियाँ बीवी में तफरीक डालना। वमा हुम बिज़ारीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, नहीं वो नुकसान दे सकते थे उस जादू के जरिए किसी को, इल्ला बिइज़्निल्लाह, मगर अल्लाह की इजाजत से। चलें, हमारी नमाज का वक्त हो गया, इसी पर बस करते हैं, इंशाल्लाह कल इस मौजू को मुकम्मल करेंगे। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, व अलहमदुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।